सब्सक्राइब कीजिए फंटास्टिक प्रेम को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम और स्वागत है आपको फंटास्टिक प्रेम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे बैठे आप अपना ई श्रम कार्ड कैसे बना सकते हैं। दोस्तों हाँ दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट का ई श्रम कार्ड है आप घर बैठे बैठे भी बना सकते हैं। दोस्तों इसमें आपके एक PF अकाउंट नंबर जनरेट होता है, फ्यूचर में कभी आप कोई गवर्नमेंट स्कीम निकाले PF वगैरह की, तो आपको 60 साल के बाद या फिर आपकी उम्र सॉरी जो आपकी उम्र 60 के ऊपर होती है तो शायद से इसमें गवर्नमेंट आपको कुछ PF का बेनिफिट भी देवे या फिर इसके रिलेटेड जो भी स्कीम आएगी आपको मिल जाएगी दोस्तों, ई श्रम कार्ड के जरिए जो भी स्कीम रहेगी वो। दोस्तों तो दोस्तों घर बैठे बैठे आप ई श्रम कार्ड कैसे बना सकते हैं, चलिए मैं बताऊंगा आपको आगे वीडियो में। तो दोस्तों ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको आपको जाना है प्ले स्टोर में, ठीक है, प्ले स्टोर में आपको जाना है और यहाँ पे आपको उमंग टाइप करना है, UMANG, ठीक है, उमंग करके आएगा। ये मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आप इसको ओपन कर लेंगे या फिर जो डाउनलोड कर लेना हो फिर ओपन कर लेना है, ठीक है, इसको हम ओपन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपका उमंग ऐप पर, ये आपको चालू होएगा, ठीक है। ये जो भी परमिशन मांगता है आपको परमिशन इसको दे देनी है, ठीक है। परमिशन देने के बाद दोस्तों ऊपर दिया हुआ है सर्च फॉर सर्विस, आपको किस चीज़ की सर्विस चाहिए आपको वहाँ पर सर्च करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ई श्रम टाइप करना है, ठीक है दोस्तों, ई श्रम आ जाएगा यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ई श्रम आने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पे आपको आ जाएगा ई श्रम करके सोशल सिक्योरिटी एंड, तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको पूछेगा कि आप ऑलरेडी PF आपका अकाउंट है कि नहीं है, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है कि आपका अकाउंट नहीं है PF में, ठीक है, और सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों यहाँ पे, दोस्तों यहाँ पे आपको जो आपका आधार कार्ड से लिंक रहेगा वो मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों यहाँ पे आपको, और उसके बाद सबमिट कर देना है। और दोस्तों OTP आएगी यहाँ पे, आपको OTP डालना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP कर देना है, उसके बाद आपको जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है दोस्तों, आधार कार्ड नंबर डालना दोस्तों, आई एग्री करना है और OTP सेंड करना है, ठीक है। OTP आएगा यहाँ पे, OTP डालना है दोस्तों, ठीक है, वेरीफाई OTP कर देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको ऑप्शन आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन भी क्लिक कर देना है, तो कुछ इस तरह का आपका पेज ओपन होएगा, ठीक है। आधार कार्ड से रिलेटेड आपकी जो भी डिटेल है यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबमिट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा जो आपका डालना है, रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है और एमरजेंसी नंबर डालना है, आपको कोई एमरजेंसी नंबर देना है आपका रेफरेंस के लिए, किसका भी घर में किसकी फैमिली मेम्बर का एक नंबर दे दीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। आपका ईमेल आईडी डालना है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों इसमें जो स्टार मार्क दिया हुआ है रेड कलर का, मींस ये आपको फिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको स्टार मार्क नहीं दिया, अगर वो आप नहीं भी भरेंगे वो ऑप्शनल है, आप नहीं भी भरेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ईमेल आईडी डालने के बाद आपका जो मैरिटल स्टेट है, मतलब सिंगल और मैरिड ओवर डाल देना है यहाँ पे आपका, ठीक है। सेलेक्ट योर गार्जियन, मींस आप गार्जियन में किसको सेलेक्ट करना चाहिए वो डाल सकते हैं, आप अपने हस्बैंड को सेलेक्ट कर सकते हैं, फादर को सेलेक्ट कर सकते हैं, उनका यहाँ पे नाम डालना है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। आपकी जो सोशल कैटेगरी है वो क्या आती है वो आपको यहाँ पे डालना है, जनरल OBC जो भी हो डाल दीजिए यहाँ पे। अगर आपको कोई ब्लड ग्रुप है वो आप डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ इसमें डाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई कुछ प्रॉब्लम है शरीर के अंदर डिफरेंटली एबल्ड तो यहाँ पे आपको नो कर देना, अगर आप यस है तो डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। नॉमिनी डिटेल डालना है यहाँ पे आपको, तो आप नॉमिनी डिटेल किसको भी डाल सकते हैं, आप अपने हस्बैंड को, फादर को, मम्मी को, किसको भी डाल सकते हैं, ठीक है। उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, ठीक है, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए उनका, उसके बाद आपके साथ में क्या रिलेशनशिप है वो डाल दीजिए, ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए वहाँ पे, और नॉमिनी का एड्रेस डाल दीजिए यहाँ पे आपका, और नॉमिनी का मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, और उसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद रेसिडेंशियल डिटेल डालना है आपको, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस आपको डालना है दोस्तों, ठीक है। तो आपको आपको जो नेटिव स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेटस स्पेसिफिक आईडी क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, अगर आईडी आपको पता डाल सकते हैं, बाकी जितना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो करंट एड्रेस है आप
गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है रूरल या फिर अर्बन। ठीक है, ठीक है दोस्तों। एड्रेस फिल करने के बाद आपको परमानेंट एड्रेस आएगा, तो वो भी आपको सेम एड्रेस डाल देना है। ठीक है, ठीक है, सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको आएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये आपको डाल देना है दोस्तों यहाँ पे। अपने आपका एजुकेशन क्या है आप वहाँ पे डाल दे सकते हैं। ठीक है, आपका मंथली इनकम स्लैब क्या होता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप कुछ जॉब वगैरह करते हैं या फिर जो भी आपको आता है इनकम। ठीक है, उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन एंड स्किल डाल देना है दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, आप काम करते कि नहीं करते वहाँ पे यहाँ पे डाल देना है। अगर जॉब करते तो यस, अगर नहीं करते तो नो कर देना है। ठीक है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन के मतलब प्राइमरी ऑक्यूपेशन आप क्या चीज़ में एक्सपर्ट है या क्या काम करते हो वहाँ पे डाल देना है दोस्तों आपको। ठीक है, और कितने साल से काम करे वो सेलेक्ट करके डाल देना है यहाँ पे आपको। ठीक है, ठीक है, ये सब आपको डिटेल डाल देना है दोस्तों। अगर ये डिटेल डालने के बाद कुछ एरर आता है, कभी कभी सर्वर बहुत बिजी होता है उमंग ऐप का, तो यहाँ पे आपको कभी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, आगे सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा या फिर कोई भी बार क्लिक अगर नहीं होता है तो आप वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हैं। किस तरह से, चलिए मैं बताऊँ आपको दोस्तों। आगे वेबसाइट पे हम जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है उमंग ऐप में कि नीचे सबमिट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम जाएंगे ब्राउज़र में, जाएंगे गूगल क्रोम में और वहाँ पे हम डालेंगे दोस्तों ऊपर ई श्रम करके। ठीक है, ये ई श्रम आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ रजिस्ट्रेशन एंड अपडेट दिया हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। अपना यूएन नंबर तो है नहीं फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर है वो आपको इसे डालना है। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक रहेगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है वैसे। ठीक है, ये आपका कैप्चा डाल देना है यहाँ पे, एज इट जैसा दिया हुआ वैसे आपको डालना है यहाँ पे। ठीक है, तो सेम प्रोसेस दिया हुआ कि आपके पास पीएफ अकाउंट वगैरह नहीं है। ठीक है, सेंड ओटीपी कर देना दोस्तों, ओटीपी यहाँ पे आपको आएगी। ठीक है, ओटीपी यहाँ पे आपको डाल देनी है। ठीक है, ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर देना दोस्तों। ठीक है, फिर से आपका आधार कार्ड नंबर डालना है। ओके, आधार कार्ड नंबर पूरा डालने के बाद आपको ओटीपी भी सेलेक्ट करना है। ओटीपी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है और आई एग्री पे क्लिक कर देना है दोस्तों। ठीक है, कैप्चा एजेंट डालना, जैसा जैसा डेटा कैप्चा वैसे ही डालना है आपको। ठीक है, उसके बाद आई एग्री पे सबमिट कर देंगे। ओके, ओके दोस्तों, तो आपने जहाँ तक डिटेल भरी थी उमंग ऐप में वो डिटेल पूरी फिलअप होके आ जाएगी। जो डिटेल बाकी रह गई थी वहाँ से आपका कंटिन्यू आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, कितने साल से आप काम कर रहे हैं या फिर इस फील्ड में हैं वो डाल देना है आपको दोस्तों। ठीक है, सबमिट कर देना है। उसके बाद आपकी जो बैंक की डिटेल है वो डाल देनी है यहाँ पे आपको, कि कौन सी बैंक में आपका जो अगर कुछ आपको जॉब वगैरह मिलती है या ई श्रम कार्ड है उसका जो भी बेनिफिट रहेगा आपके उस अकाउंट में आपको आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बैंक का अकाउंट नंबर डाल देना है। ठीक है, पूरी अकाउंट की डिटेल डाल देनी है यहाँ पे आपको। ठीक है, अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर नेम डाल देना है और आपका जो आईएफएससी कोड है वो डाल देना है दोस्तों। ठीक है, आईएफएससी कोड डाल दिया, ऑटोमेटिक आपका बैंक का नाम आ गया और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपका पूरा फॉर्म भर के आ जाएगा, किस तरह का क्या फॉर्म है पूरा चेक कर लीजिए और उसके बाद आपको यस करके सबमिट कर देना है दोस्तों। ठीक है, पूरा रीड करिए, अगर कुछ डाउट लगता है तो आप एडिट कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, सब टिक मार्क करके आई अंडरटेक करके सबमिट कर देना दोस्तों। तो यहाँ पे आ गया वेलकम टू ई श्रम फैमिली करके, तो ये आपका यूएन कार्ड बन चुका है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह का आपको कार्ड दिखेगा दोस्तों, आप इसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं या फिर आप पीडीएफ भी अपने मोबाइल में रख सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से आप घर बैठे बैठे आप अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं और इसके जो भी बेनिफिट है आप ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट फंटास्टिक फीचर के साथ में या फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत धन्यवाद एंड टाटा।